नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, 8 जनवरी को यूपी टेट हुआ और लाखों लोगों ने प्रतिभाग किया था। जो परीक्षा 22 दिसंबर को होने वाली थी वह परीक्षा 8 जनवरी को ही, लाखों लोगों ने इसमें प्रतिभाग किया था। जैसा कि उम्मीद भी था, 15-16 लाख लोग प्रतिभाग करेंगे, तो इतने ज्यादा लोग प्रतिभाग किए थे। और यूपी टेट प्राइमरी और यूपी टेट जूनियर दोनों एक ही दिन था, लेकिन हम बात करेंगे यूपी टेट प्राइमरी की। देखिए, यूपी टेट प्राइमरी का जो पेपर आया हुआ था, कुल 150 प्रश्न थे। और मैं देख रहा हूँ इधर, दो दिन से मैं कोई ऐसा वीडियो तो बना नहीं रहा हूँ, और मैं 2 से 3 ऐसा आंसर की जारी किया हुआ था। बाल विकास का था, हिंदी का था, और फिर बाल विकास का था, हिंदी का था, फिर पर्यावरण का था। यह आंसर की मैं जारी किया था प्राइमरी यूपी टेट के बारे में। उसके बाद थोड़ी व्यस्तता थी, ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन मैं क्या देखता हूँ, कुछ ऐसे यूट्यूबर हैं जो झूठी दिलासा देने में माहिर है। वह क्या कहते हैं, कोई बोल रहा है 8 नंबर कॉमन मिल जाएगा, प्राइमरी यूपी टेट की बात कर रहा हूं दोस्तों। कोई बोल रहा है 8 नंबर कॉमन मिल जाएगा, कोई 10 नंबर, कोई 12 नंबर, कोई 14 नंबर, कोई 7 नंबर, 8 नंबर, इस तरह से कॉमन दे रहे हैं। अब बात क्या है दोस्तों, मान लीजिए जिसके 7 नंबर या 8 नंबर 9 नंबर से लग रहा है कि वह पास नहीं होने वाला है, वह इनके वीडियो को देखकर वह झूठी दिलासा पाएगा कि हाँ इतने नंबर कॉमन मिल रहे हैं। जबकि इतना नंबर कॉमन कहाँ से मिलेगा, यह कोई दान खाता थोड़ी है कि यहाँ पर दान खाता खुला हुआ है सरकार की तरफ से कि हर बार आपको कॉमन नंबर मिल जाएगा। वो भी जब कॉमन नंबर मिलने की चांस रहेगा तब मिलेगा कॉमन नंबर। और यहां पर मैं पूरे प्रश्न पत्र का अवलोकन किया हूं, पूरे सूक्ष्म अवलोकन किया हूं, पूरा का पूरा प्रश्न पत्र, जो भी प्राइमरी यूपी टेट का प्रश्न पत्र है, पूरा का पूरा अवलोकन किया हूं। ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है जो विवादित हो, मतलब ऐसे बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं है जो 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर ऐसे लोग कॉमन दे, ऐसे विवादित नहीं है। पूरा प्राइमरी यूपी टेट के 3 प्रश्न ऐसे हैं जो विवादित हैं, जिसमें आपको कॉमन नंबर मिल सकता है, सिर्फ और सिर्फ 3 प्रश्न। और यह बात मैं पूरे छाती ठोक के बोल रहा हूं, सिर्फ 3 प्रश्न ऐसे हैं जो विवादित हैं। अब जो बाकी लोग 8 नंबर, 8 क्वेश्चन या 9 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन पर आपत्ति दर्ज कर रहे हैं, वह जाना उनका काम जाना है। अब पिछली बार जो यूपी टेट हुआ था, आप लोगों ने खुद देख लिया, पिछली बार का जो यूपी टेट हुआ था, 150 क्वेश्चन में से आपत्ति दर्ज करने वालों ने 142-143 तक प्रश्नों तक आपत्ति दर्ज की थी, क्योंकि आपत्ति दर्ज करने में उनका तो कुछ जाता नहीं था, वह सिर्फ आपत्ति दर्ज करते थे। लेकिन इस बार की प्रक्रिया क्या है, इस बार आपको आपत्ति दर्ज करेंगे तो 1000 देना पड़ेगा, सीटेट में 1000 देना पड़ता है। लेकिन इस बार का देखिए प्रश्न पत्र मैं भी देख रहा हूं, पहले की अपेक्षा प्रश्न पत्रों की गुणवत्ता बढ़ी है। उसमें पहले सरल आते थे प्रश्न, लेकिन इस बार कठिन प्रश्न आए हैं, कठिनाई स्तर बढ़ाया गया है, लेवल बढ़ाया गया है, पेपर का लेवल बढ़ाया गया है। और पूरे 150 प्रश्नों में से, यूपी टेट के 150 प्रश्न जो हैं, उसमें से 3 प्रश्न ऐसे हैं जो विवादित हो सकते हैं, जिसमें आपको कॉमन नंबर मिल सकता है, और 3 प्रश्न पर कॉमन नंबर मिलेगा ही मिलेगा। वह 3 प्रश्न कौन है मैं बता रहा हूं। देखिए, पहला प्रश्न हिंदी का, हिंदी प्रश्न है कि पुलिंग कौन है, हिंदी में प्रश्न था पुलिंग कौन है। तो उसमें देखिए, जो चील किए हैं वह भी सही है, और जो सरसों किए हैं वह भी सही है। चील भी पुलिंग होता है, सरसों भी पुलिंग होता है, 4 विकल्पों में से अगर आपने चील पर गोला किया है तभी आप सही हैं, तभी आपको नंबर मिलने वाले हैं, और सरसों किया है तभी आपको नंबर मिलने वाले हैं। यह कॉमन नंबर है, चील और सरसों दोनों पुलिंग में आते हैं। अगर आयोग को केवल एक को पुलिंग मानना था तो एक को हटा देना चाहिए था विकल्प में से, लेकिन दोनों के दोनों पुलिंग है। फिर थारू जनजाति वाला प्रश्न है कि थारू जनजाति कहां पाया जाता है। अगर प्रश्न यह होता कि उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति जो पाई जाती है तराई के प्रदेश में पाई जाती है। यह जो महाराजगंज, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी, यह जो इलाका है सिद्धार्थनगर, यह पूरा का पूरा जो तराई का बेल्ट है, जो कुल 7 जिले जो नेपाल से सटे हुए हैं, वह उत्तर प्रदेश से कुल 7 जिले ऐसे हैं जो नेपाल से सटे हुए हैं, वह सभी तराई में आते हैं। तो अगर यह प्रश्न यह उठता कि उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो होता है तराई के प्रदेश में। लेकिन यह प्रश्न था कि थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो उसमें उत्तराखंड भी दे दिया था और तराई का, उत्तर प्रदेश का तराई प्रदेश भी दे दिया था। अब जो उत्तराखंड है वह थारू जनजाति का गढ़ है, सबसे ज्यादा थारू जनजाति पाए जाते हैं उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड भी आए ऑप्शन में विकल्प में। और फिर तराई, उत्तर प्रदेश के तराई के प्रदेश भी हैं, तो जिन्होंने उत्तर प्रदेश के तराई प्रदेश किया है, उत्तर प्रदेश का तराई भाग किया है, वह भी सही है, और जिन लोगों ने उत्तराखंड किया है वह तो फिलहाल सही ही सही है। तो इन दोनों पर भी आपको कॉमन नंबर मिलेगा, दोनों सही है, दोनों में से किसी पर अगर आपने गोला किया है तो कॉमन नंबर देना ही होगा। फिर एक प्रश्न और है, लचीला संविधान किस देश का है। देखिए, बहुत सारे लोग भारत करके आए हैं कि भारत का जो संविधान है लचीला संविधान है। भारत का संविधान कैसे लचीला हो सकता है यार,
कैसे लचीला हो सकता है। आप लोगों ने शुरू से ही पढ़ा है कि भारत का जो संविधान है यह मिश्रित संविधान है, यह कठोर भी है और मृदु भी है, कोमल भी है, कोमल भी है और कठोर भी है। इसीलिए भारत के संविधान को मिश्रित संविधान कहते हैं। लचीला संविधान ब्रिटेन का संविधान कहा जाएगा। लचीला संविधान जो होगा ब्रिटेन का संविधान होता है क्योंकि उसमें हाउस ऑफ लॉर्ड्स होते हैं और हाउस ऑफ कॉमन्स होते हैं। जैसे यहाँ लोकसभा राज्यसभा होती है, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स, और वहां पर नियम बनाने में या फिर अनुच्छेद जारी करने में या फिर कोई भी अधिनियम पास करने में बहुत ही कम समय लगता है, वह कभी भी हो जाता है, कोई भी अधिनियम बन भी जाता है बिगड़ भी जाता है। तो बहुत ही लचीला संविधान जो होता है वो ब्रिटेन का होता है। और फिलहाल बहुत सारे पुस्तक में भारत का संविधान भी कुछ हद तक लचीला माना ही जा सकता है। आप खुद ही सकते हैं लचीला संविधान ही तो है, तभी तो आज तक निर्भया के जो गुनहगार थे उनको फांसी देने में 6 से 7-8 साल लग जा रहे हैं। तो एक तरह से लचीला भी संविधान है, लेकिन पूरी तरह से भारत के संविधान को लचीला संविधान नहीं कहा जा सकता। यह कठोर भी है, कोमल भी है, इसे मिश्रित संविधान के अंतर्गत रखा जाता है। अगर भारत का संविधान सही है तो फिर या तो भारत भी ऑप्शन में है तो यह भी सही है, और जिन लोगों ने ब्रिटेन पर गोला किया है वह भी सही है, तो यूनाइटेड किंगडम भी सही है और भारत भी सही है। इसमें भी आपको एक नंबर कॉमन मिलने वाले हैं। तो कुल तीन प्रश्न ऐसे हैं जिसमें आपको कॉमन नंबर मिलने वाला है, कुल तीन प्रश्न, और इसी इतर कोई नहीं है। अगर कोई यह बोल रहा है कि 4 नंबर कॉमन मिलेगा तो सुनिए, अगर 4 नंबर कॉमन मिल जाएगा ना तब आप बताइएगा हमसे। ये मूर्ख बनाने का लोग धंधा खोल के बैठे हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 नंबर कॉमन मिलने वाले हैं और यही 3 विवादित प्रश्न हैं। और यह कॉमन सबको नहीं मिलेगा, यही बता दी, यह कॉमन नंबर सबको नहीं मिलेगा। अब जिन्होंने चील किया है या फिर सरसों किया है उनको कॉमन मिल सकता है, या फिर मतलब चील और सरसों दोनों सही है, या फिर धारू जनजाति में उत्तराखंड भी सही है, उत्तर प्रदेश के तराई प्रदेश भी सही है, यह भी सही है। और फिर लचीला संविधान भारत का भी माना जा सकता है, यूनाइटेड किंगडम का भी माना जा सकता है, लेकिन ज्यादा तो मैं यूनाइटेड किंगडम को ही मानता हूं, लेकिन फिलहाल भारत को भी मान लीजिए। तो इस तरह से 3 प्रश्न ऐसे हैं जो विवादित हैं, जिसमें आपको कॉमन नंबर मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा, और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, बिल्कुल शेयर करिएगा दोस्तों, क्योंकि यह बहुत गलत बात है। बहुत सारे ऐसे लोग गुमराह करने की कोशिश करते हैं, अपना अपना दुकान खोलकर बैठे हैं। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा। धन्यवाद आप लोग को।